صلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अच्छा तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोगो बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कलर्स की अंडरस्टैंडिंग है कि कलर्स किस तरह प्ले करते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है कि कलर से प्ले सही तरह नहीं हो रहे, कभी हम स्ट्रोक दे रहे हैं तो फिल आ रहा है, फिल दे रहे हैं तो स्ट्रोक आ रहा है। तो अगर आप लोग आज ये समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिल और स्ट्रोक में हमारे पास साथ मसला आ रहा है। सबसे पहले 5 मिनट के अंदर हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल चीजें या टूल्स हमने देखे थे। उसके अंदर था हमारे पास सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से हम कोई भी शेप बना सकते हैं, प्रोपोर्शनली बनानी है तो ऑल्ट और शिफ्ट के साथ हम इसको सिंपली बड़ा छोटा कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन को अगर जूम करना है, जूम आउट करना है तो हम ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस से स्क्रोल जो हमारे सेंटर के अंदर व्हील सा दिया हुआ है उसको नीचे करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन हो जाएगा और नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद इसकी कॉपी करनी है, ऑल्ट प्रेस करके आगे की तरफ ड्रैग करेंगे इसकी कॉपी ले सकते हैं। लास्ट एक्शन को रिपीट करना है उसके लिए कंट्रोल डी प्रेस करें तो आपका लास्ट एक्शन रिपीट हो जाएगा। अगर हम इसको कोई फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, फॉर्म बनाने के लिए क्या देखा था हमने कि हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अगर हम इसको कर सकते हैं। यहाँ सिंपल मैंने शेप के एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और मैं इसको अब जाकर उस वाली शेप के एंकर पॉइंट से मिला रहा हूँ। ये बॉक्स हमारे पास बन गया। थोड़ा जूम करके बनाएंगे तो ये एजेस भी नहीं आएंगे, ये भी हम आज की क्लास में देखेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर हमने चीजें देखी थी। बाकी हमने पेन टूल को देखा था कि पेन टूल के साथ हम किस तरह की शेप्स वगैरह अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। अब ठीक आ रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है। हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3, आवाज अब क्लियर है? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। अब क्लियर हो गई है। चलें, पहले ब्रेक हो रही थी, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। अच्छा देखें, कुछ लोगों का ज्यादा मसला आ रहा है। जब मोस्टली यस होते हैं ना, इसका मतलब है नेट ठीक है। जिसको इशू आ रहा होता है वो फिर अपना इशू खुद ही रिजॉल्व कर लिया करें, ठीक है ना। चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, हम पढ़ने लगे हैं हाउ टू क्रिएट, हाउ टू यूज कलर स्ट्रोक्स एंड ग्रेडियंट। कलर स्ट्रोक्स एंड ग्रेडियंट्स का एक फंडा है, वो ये है कि अगर मैंने एक बॉक्स बनाया, सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास कलर के बॉक्स दिए हैं। इसे हम कहते हैं फिल्स, जो कि किसी भी शेप के अंदर अगर हम कलर फिल कर रहे हैं तो हम यहाँ से इसको देखते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट या पाथ का फिल है और ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक वो जो आपकी बाउंड्री के ऊपर है, बाउंड्री जो आपकी बाउंड्री है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। जो इसके अंदर फिल हुआ हुआ है इसको हम फिल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट दिया हुआ है, डिफॉल्ट प्रीसेट है। इसको प्रेस करने के साथ होगा क्या कि हमारे स्ट्रोक के अंदर ब्लैक कलर फिल हो जाएगा और हमारे फिल के अंदर व्हाइट कलर हो जाएगा। ये डिफॉल्ट है, अगर आप प्रेस करेंगे, जब भी प्रेस करेंगे तो आपका स्ट्रोक ब्लैक हो जाएगा और फिल आपका व्हाइट हो जाएगा। इसको स्विच कर सकते हैं, ये आपके पास स्विच बटन है कि आप स्ट्रोक को व्हाइट करना चाह रहे हैं, फिल को ब्लैक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इजीली स्विच कर सकते हैं। ये स्विच का बटन है, ये यहाँ पे जो दो एरोज दिए हैं स्वैप कर, इसे आप इजीली स्वैप कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं करना, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए यूज होता है। मैक्सिमम अंडू यूनिवर्सल की मैंने कंट्रोल जेड, आप जितनी मर्जी दफा अंडू कर सकते हैं, अपने काम को बैक ले जा सकते हैं, कंट्रोल जेड करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास कलर भी फिल है और स्ट्रोक भी फिल है। अब यहाँ पे अगर मैं इस बॉक्स को क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि मेरे पास फिल हुआ हुआ है
लेकिन स्ट्रोक नन है। अब स्ट्रोक को हमने नन कैसे किया है, मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपनी शेप के अंदर स्ट्रोक दूं जो कि आउटर लाइन है, तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास नन का ऑप्शन है, मैं स्ट्रोक को नहीं देना चाह रहा, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया और नन कर दिया, स्ट्रोक को सिंपली नन कर दिया। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं स्ट्रोक ओनली, मैंने सिंपल स्ट्रोक पे क्लिक किया है, अब आप देख रहे होंगे कि फिल को मैंने फिल को क्लिक कर दिया तो मैंने फिल को नन कर दिया और स्ट्रोक को कलर दे दिया। नन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्ट्रोक सेंटर। ये स्ट्रोक सेंटर क्या है, अगर हम स्ट्रोक सेंटर को स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम अपना एक पैनल खोलेंगे जो कि यहाँ पे मौजूद है स्ट्रोक के नाम से। अगर किसी के पास राइट साइड पे स्ट्रोक नहीं आ रहा तो वो विंडोज में जाके यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करेगा तो उसके पास स्ट्रोक का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं स्ट्रोक सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो अब आप लोग देख रहे होंगे ये आपके पास यहाँ पे मौजूद है अलाइन स्ट्रोक। अलाइन स्ट्रोक क्या करता है, इसका पहला ऑप्शन कि हमें अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अब आप देख रहे होंगे अगर मैं जूम करता हूँ कि ये एंकर पॉइंट से अंदर भी स्ट्रोक ले रहा है और एंकर पॉइंट के बाहर भी स्ट्रोक ले रहा है। इन शॉर्ट एंकर पॉइंट सेंटर में है स्ट्रोक के, ठीक है, स्ट्रोक सेंटर में। सिर्फ समझाने के लिए ये आपको, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब आपको यहाँ पर समझ आएगी। अगर सेकंड वाला ऑप्शन आप लेते हैं तो ये है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। यहाँ पे क्या था, आउटर साइड भी था और इनसाइड भी था। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम सेकंड वाला ऑप्शन अलाइन स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं तो अब क्या है, इनर साइड के ऊपर उसने स्ट्रोक दे दिया। हम तीसरे को देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, उसने एंकर पॉइंट से आउटर साइड पे स्ट्रोक दे दिया। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ये स्ट्रोक के अंदर आपको मिल जाएंगी, स्ट्रोक के पैनल के अंदर। यहाँ पे आपको वेट स्ट्रोक का जो साइज है वो आपको बढ़ाना है तो आपके पास यहाँ पे वेट है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं इसके स्ट्रोक को, इसकी आउटर लाइन को। उसके बाद आ जाता है आपके पास मीटर ज्वाइन। मीटर ज्वाइन क्या चीज है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मीटर ज्वाइन का ऑप्शन है। तो ये क्या करता है, ये आपको यहाँ पे शार्प किस्म का एजेस देता है, शार्प किस्म के एजेस देता है। अगर मैं राउंड ज्वाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास राउंड ज्वाइन मौजूद है कॉर्नर के अंदर। अगर आप अपने कॉर्नर्स को, बॉर्डर्स के कॉर्नर्स को यहाँ पे स्लाइटली राउंड करना चाह रहे हैं तो आपके पास कॉर्नर्स के अंदर सेकंड ऑप्शन मौजूद है। तीसरा आपके पास क्या है, बेवल ज्वाइन। कॉर्नर्स के अंदर तीसरा ऑप्शन बेवल, यहाँ पे आपको एक शार्प कट दे देता है आपके एज के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर एक शार्प कट बनाकर आपको यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज जो है वो है आपकी डैश लाइन। डैश लाइन कैसे आती है किसी भी शेप की, अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने एक बॉक्स बनाया जिसकी आउटर लाइन है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक के पैनल के अंदर यहाँ पे डैश लाइन मौजूद है। डैश लाइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डैश लाइन आ जाती है। अब डैश लाइन के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि स्पेस आपको कितनी बाय कितनी की चाहिए, तो आप उसको बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20 बाय 20 की डैश लाइन कर दी है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, मैं 30 बाय 30 कह रहा हूँ, 30 बाय 30। तो ये आप इसकी डॉटेड लाइन कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। मैं किसी भी लाइन के अंदर अगर ये बनाना चाह रहा हूँ तो मैं पेन टूल से एक लाइन बना रहा हूँ और उसके अंदर ये डॉटेड लाइन देना चाह रहा हूँ, एंटर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके एट द एंड इसके अंदर एक एरो भी ले आऊं। तो एरो लाने के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एरो हेड मौजूद है, यहाँ पे मैं इजीली अपने एरोस ला सकता हूँ। यहाँ पे आप एरो की बैक साइड ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप एरो की फ्रंट साइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एरो बना दिया इस तरह के, ये बेसिकली आप अपनी कोई भी लाइन के स्ट्रोक को कम करना चाह रहे हैं थोड़ा स्ट्रोक कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरो की एरो हेड देना चाह रहे हैं तो आप इजीली एरो हेड दे सकते हैं, और यहाँ पे एरो क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह के आप एरोस भी बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए।
डॉटेड लाइन का समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है डॉटेड लाइन किस किस किस्म की है, तो आप यहाँ पे सिंपल अपनी डैश लाइंस को बढ़ा सकते हैं, वेटेज को कम कर सकते हैं, स्ट्रोक के वेट को कम कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप डैश और गैप को अगर नंबरिंग देते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह अपनी डॉटेड लाइन बना सकते हैं। डिफरेंट किस्म की आप डॉटेड लाइन को डिफरेंट फ्रेम्स में या अपने वर्क के अंदर किसी भी इलस्ट्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास डैश लाइन का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, तो आप इजीली यहाँ से करके कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है प्रोफाइल। प्रोफाइल बेसिकली क्या है, अगर मैं पेंसिल टूल से कोई लाइन लगाता हूँ और एंटर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्रोफाइल मौजूद है, तो ये आपकी लाइन की क्वालिटी है, ये आपकी लाइन को स्ट्रोक देता है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसका स्ट्रोक, तो आपको अंदाजा होगा कि ये यहाँ पे स्ट्रोक दे रहा है, जो कि एच से भी टेल है और यहाँ से भी टेल सी है। तो आप इससे डिफरेंट कैलीग्राफी का जो काम करते हैं वो इजीली, अगर मैं इसके साथ देना चाह रहा हूँ इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आइडिया हो, और उसके बाद यहाँ से यूनिफॉर्म कर देते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें वो एक साइड से स्क्यूज करके दे रहा है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो आप यहाँ से यूनिफॉर्मेशन अपनी लाइन की ले सकते हो। इसको रोटेट करना है सिंपल लाइन को, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके माउस के ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट, सिंपल रिफ्लेक्ट कर दें और यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि ये शेप आपके रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसी हो। तो आप इसको इजीली डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं, ये कोई पतंग नुमा सी चीज बन गई। कलरफुल करना है इसके अंदर, ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो हम आज के लेक्चर को कंप्लीट शुरू करें। बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग थी। अगर आपको कोई भी कलर चेंज करना है अपनी प्रोडक्ट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ और इसकी आउटर लाइन को मैं यहाँ से खत्म करना कर देता हूँ और इसके डब्बे के अंदर जो कि इसका इनर पोर्शन है उसके अंदर मैंने येलो कलर किया हुआ है और इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर इसी बॉक्स पे रहते हुए डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कलर पिकर टूल्स ऑप्शन मौजूद है, जिसकी वजह से मैं अपनी शेप के अंदर कलर चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउन कर लिया, ओके किया, तो मेरी बॉक्स के अंदर कलर फिल हो गया। जरूरी ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो जिसके अंदर आप कलर फिल कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना लाजमी है। सिलेक्ट करने के बाद क्या बच्चे, यार अब क्लास के बीच के अंदर आप सवाल कर रहे हैं कि असाइनमेंट नहीं है। आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए, सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब कर देते हो आप लोग एकदम से आकर, मेरी सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और मेरा सिर्फ मैसेज पे ध्यान जा रहा होता है। आप लोगों को ना लेक्चर्स हो पाएंगे ना आप लोग चीजों को समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप लोगों को असाइनमेंट का मैंने कहा था, अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों ने चेक ही नहीं किया व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने आपको आज ही व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर भेज दी थी। आप लोग अगर जाके देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको टास्क मिल चुका था, तो आप लोगों ने उसे कंप्लीट करना था। सर मैं व्हाट्सएप में, सर ये चैट ऑफ कर देता हूं। मरियम आप फिर किसी को, अब आपको मैं होस्ट को बता देता हूँ कि यार काइंडली यार सिद्रा को आप ग्रुप के अंदर ऐड कर लें, होस्ट आप सिद्रा को ग्रुप के अंदर ऐड कर लें। ठीक है सर मैं कर देता हूँ, मेरे ख्याल से ये मैं आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप कोई भी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, सिर्फ लेक्चर की तरफ फोकस करें, आपका बड़ा कीमती वक्त जाया हो जाएगा। वरना सर वहां को भी ग्रुप के अंदर ऐड कर लें काइंडली, फेसबुक के अंदर जिन जिन बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं होस्ट काइंडली आप लिख लें और इन बच्चों को ऐड कर लेंगे। ठीक है सर मैं लिख लिया, मैंने मैसेज आपका कन्वे कर दिया है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा दोबारा कलर को देख लें, अगर हम कलर फिल करना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है, हम बॉक्स के एक शेप लेते हैं, शेप जैसे ही लेते हैं तो ये हमारे पास कलर मौजूद है यहाँ पे, हमें अगर इसे चेंज करना है हम इस पे सिंपल कलर पे जाके डबल क्लिक करते हैं
और यहाँ से अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्विचेस दिए हुए, यहाँ पे आप सिर्फ हल्का सा इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, यहाँ से आप खुद कलर बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपके पास एच एस, तो ये आपके पास डिफरेंट कलर स्कीम्स मौजूद हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अगर आपने फर्ज करें ये कलर सेलेक्ट कर दिया, अब इसकी हार्ड फॉर्म चाहिए तो आप इसको हार्ड फॉर्म भी कर सकते हैं, या आपको उसकी लाइटर या डार्क प्योर कलर चाहिए तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप आर में आके उसकी डिफरेंट वेरिएशंस को देख सकते हैं, डिफरेंट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं, इसकी मदद से आप अपना कलर बना सकते हैं। सिंपल अगर मैंने ये कलर फर्स्ट करने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाके मैं सिंपल ओके कर रहा हूँ तो मेरी शेप के अंदर कलर फिल हो चुका है। अगर मैं इसके स्ट्रोक के अंदर कलर करना चाह रहा हूँ, इस वक्त स्ट्रोक के अंदर नन हुआ है, ये नन का ऑप्शन है, जिस कलर को आपने खत्म करना है स्ट्रोक में या फिल में, तो आप यहाँ से नन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक का कलर है, इस पर डबल क्लिक करें अगर आप कलर देना चाह रहे हैं। यहाँ से आप फर्ज करें कि आपने स्ट्रोक का कलर सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, ये आपके स्ट्रोक का कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। क्योंकि स्ट्रोक का कलर नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्ट्रोक आपका बहुत कम है, यहाँ से आप बढ़ाकर देख सकते हैं कि आपके स्ट्रोक का कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। ये सिंपल क्राइटेरिया है जी कलर फिल करने का। उसके बाद आपके पास आ जाता है तीसरा, जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, कलर के अंदर वेरिएशन, जो कलर की दो कलर्स को या तीन कलर्स को या चार कलर्स को मिलकर एक कलर बनता है, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट फिल करने का क्या तरीका है, वो सिंपल आपके पास सेकंड ऑप्शन है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन है ग्रेडियंट का। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट आ रहा है, लेकिन मुझे स्ट्रोक में नहीं चाहिए, मुझे फिल में चाहिए। स्ट्रोक के मैं कलर को नन कर देता हूँ और शेप को सिलेक्ट करता हूँ, इसको नन करता हूँ और इसके अंदर मुझे ग्रेडियंट चाहिए फिल के अंदर, तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टैब ओपन हो जाता है ग्रेडियंट का, ये मेरे पास ग्रेडियंट का टैब यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डिफरेंट कलर्स देना चाह रहा हूँ। कलर्स देने का क्या तरीका है, गौर से सुनिएगा। ये मेरे पास मेरे कलर की फिल है, अगर मैं इसको राइट करता हूँ ऊपर इस बॉक्स को पकड़कर, तो आप ये देख रहे होंगे कि ब्लैक एरिया बढ़ रहा है या मैं ब्लैक एरिया को कम करना चाह रहा हूँ, तो ये अपनी मर्जी से मैं कर सकता हूँ। ये एग्जैक्ट मेरे पास दो कलर यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने अपनी मर्जी से लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, मैं इस वाइट सर्कल के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पैनल ओपन हो चुका है। पैनल के अंदर मैं जाता हूँ, ये मेरे पास स्विचेज हैं जिसके अंदर कलर्स आपके पास ऑलरेडी बने हुए, आप बना सकते हैं या कोई कलर पिक करना चाह रहे हैं या आपके पास कलर पिकर टूल है, और ये आपके पास आरजीबी कलर्स हैं। यहाँ पे आके आप सेटिंग्स में जाके आरजीबी कलर्स को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर बना सकते हैं, या किसी का भी कलर का नंबर देके अपना कलर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे स्विचेस के अंदर से कोई कलर पिक करना है तो मैं सिंपल स्विचेस में आ गया। स्विचेस में आके मैं यहाँ से पर्पल कलर को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया बाहर। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर है, मैं इसको भी चेंज करना चाह रहा हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ये स्विचेस मेरे पास यहाँ पर ऑन हो गए। यहाँ से मैं पर्पल का ही साथ वाला कलर पिक कर रहा हूँ जो कि ग्रेडियंट है उसका, या पिंक कलर, या आप थोड़ा सा पिंक कलर हार्ट में लेना चाह रहे हैं, या अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेडियंट बनाना चाह रहे हैं। ये आपके पास लाइन है जिसके अंदर आप अपने कलर्स बनाते हैं। अगर इसको मैं डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ इसी कलर के ऊपर रहते हुए क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके आगे की तरफ रोटेट करता हूँ तो इसी कलर की कॉपी हो गई। अब इसके अंदर मैं कोई और तीसरा कलर कोई देना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे तीसरा कलर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने थर्ड कलर ऐड कर लिया, इसकी ब्लू कलर की रेशो को बढ़ाना है तो आप ऊपर से इजीली बढ़ा सकते हैं, या कम करना है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ये आपका ग्रेडियंट पार्ट है जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, ये आपकी डेप्थ वगैरह या चीजों को एलिगेंट बनाने के लिए शेप यूज होती है। ये आपके पास क्राइटेरिया है जी किसी भी ग्रेडियंट को बनाने के लिए, ये क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक समझ आ गया तो ओके लिखें, फिर हम अपने आज के लोगो फर्स्ट लोगो को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और उसकी तरफ चलते हैं। जल्दी से मुझे ओके लिख के बता दें कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। बहुत सिंपल चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें समझ नहीं आएंगी आप। थोड़ा सा रिपीट, जिनको अब इश्यू आ रहा है अब वो वीडियो देखेंगे और वीडियो में देखकर अपने मसले को सॉल्व करेंगे। हम आगे भी कलर्स को देखेंगे, इसलिए
कोई अब बार बार रिपीटेशन का ना कहे, बहुत सिंपल है, चार पांच दफा मैं बता चुका हूँ कलर को। अच्छा इसको हम यहाँ पे अब के लिए क्लोज कर देते हैं, डेल कर दिया मैंने, पेज को क्लोज कर दिया, दोबारा से देख लें हम आज का ये लोगो बनाने वाले किन किन स्टेप से गुजर कर हम इस तरह का कॉर्पोरेट लोगो बना सकते हैं। इस तरह का आपने लोगो बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा, क्रोम का भी इसी टाइप का ही कोई लोगो है, क्रोम जो वेब आपका है उसका भी टाइप ऑफ इस तरह का ही लोगो है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम ये बनाने वाले, तो डिफरेंट स्टेप्स से गुजर कर हम अपनी प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। जो स्टेप्स भी हैं वो भी हमारी खूबसूरती का हिस्सा है, अगर हम वही स्टेप्स को अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करें तो वो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के लिए भी, आपके पोर्टफोलियो के लिए भी। जब भी कोई काम किया करें अपने स्टेप्स को बनाया करें, उसके बाद एट द एंड उसे प्रेजेंट किया करें। वो भी आज प्रेजेंटेशन को भी थोड़ा सा देखेंगे, और एट द एंड मुझे याद दिलाइएगा फाइल को सेव कैसे करते हैं आप लोगों को, वो भी बताऊंगा। उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले हम एक पेज बनाते हैं, फाइल करके न्यू लिया, न्यू में जाके मैं एक पेज ले रहा हूँ जो कि मैं इंचेस में लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं 8 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसकी हाइट दे रहा हूँ 4 और क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने अपना कैनवस यहाँ पे बना लिया। अब मैं सिंपल चाह रहा हूँ कि लोगो क्रिएट करूँ। लोगो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एलिप्स टूल लेता हूँ। एलिप्स टूल लेकर मैं अपने फिल को, गौर से सुनिएगा, अपने फिल को यहाँ से नन कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे स्ट्रोक चाहिए। कोई भी ड्राइंग आप लोग बनाते हैं तो सबसे पहले कलर नहीं भर देते, उसका स्ट्रोक बनाते हैं। स्ट्रोक इन शॉर्ट, आप पेंसिल से ड्राइंग करना शुरू करते हैं और जब आप अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके अंदर फिर कलर फिल करते हैं। तो इसलिए जब भी आप काम करने लगें, कोई चीज ड्रॉ करने लगें, कोशिश करें अपने कलर को नन कर दें और स्ट्रोक के कलर को ब्लैक कर दें जो कि पेंसिल का कलर होता है, फिर आप अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करें तो आपके इश्यूज कम से कम होंगे। सिंपल मैं एक सर्कल बनाता हूं, आपको यहां पे नजर आता होगा ये मैंने एक सर्कल ले लिया। अच्छा इसी सर्कल की मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करके इसको आगे की तरफ रोटेट करता हूं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। मैंने क्या किया, दोबारा से गौर से देखिएगा, मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया है, आल्ट प्रेस किया है, आल्ट प्रेस करके मैं आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और साथ शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आगे है, मैं यहाँ पे अपने दोनों कीबोर्ड को भी छोड़ रहा हूँ और माउस को भी मैंने रिलीज कर दिया। ये प्रोपोर्शनली इसके सेंटर में आ चुका है। उसके बाद मैं अपनी थर्ड शेप लेता हूँ। थर्ड शेप लेने के लिए इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ ताकि हम तीसरा स्टेप बना सकें। मैंने इसी की कॉपी आगे ले ली है। अब मैं तीसरी एक शेप बनाने लगा हूँ सर्कल की, आल्ट प्रेस करके और इसको नीचे की तरफ ले आए। नीचे की तरफ लाने के बाद मैं चाहता हूँ इस सर्कल का जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो इन दोनों को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके सेंटर में आ जाए। तो मैं अपने कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ कि अब ये देखें ये दोनों सर्कल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं तीसरे वाले को भी इसकी इन दोनों के जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके सेंटर में ले आए। अब यहाँ पे हमने तीन सर्कल्स यहाँ पे बना लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी की कॉपी आगे ले लूँ और हम अपना चौथा स्टेप कंप्लीट करें। ये मेरे पास चौथा स्टेप आ गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ से उठा लिया और मैं चाह रहा हूँ कि वन एंड टू इन दोनों सर्कल के सेंटर में आ जाऊं। मैंने कॉपी किया, दोबारा देखें मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आल्ट प्रेस किया, आल्ट प्रेस करके मैं साथ शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं और इन दोनों सर्कल के मिड में ले आया। अब सेंटर पे क्लिक करें और यहां पे गौर करें इसके सेंटर पॉइंट पे। मैं इसको कीबोर्ड की मदद से नीचे की तरफ कर रहा हूं। ये जो शील्ड बन रही है शील्ड के सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। ये वन टू एंड थ्री, ये शील्ड जो बन रही है बीच में, इसको मैं सेंटर में कर रहा हूँ इसके शील्ड। ऑलमोस्ट डन, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अब मैं सबको कॉपी करता हूँ और
नीचे ले आता हूँ। ये हमारा लोगो फाइनली प्रिपेयर होने वाला है, तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, इन सबको सिलेक्ट करना है, इन सबको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास शेप बिल्डर टूल मौजूद है, हमारे टूल्स के अंदर यहाँ पर शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल की मदद से जौन से पोर्शन हमें शेप में नहीं चाहिए उन्हें हम डेल कर देंगे। उसे डेल करने का क्या तरीका है, मैंने आप देख रहे मेरे कर्सल पे गौर से देखना, जब जब मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे कर्सल के ऊपर प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। आल्ट प्रेस कर रहा हूँ, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। माइनस का क्या मतलब है, अगर माइनस करता हूँ मैं तो मैं किसी शेप को माइनस करना चाह रहा हूँ तो मुझे आल्ट प्रेस करके उस शेप के ऊपर ड्रैग करना होगा, ऐसे वो चीज खत्म हो जाएगी। सिंपल मुझे माइनस करना है, मैंने आल्ट प्रेस किया है, ये शेप मुझे नहीं चाहिए, बाहर वाली ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, आर्ट मैंने प्रेस किया हुआ है ये भी नहीं चाहिए और ये वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए। यहाँ आप देख रहे होंगे कि अब मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया। अब मुझे कौन कौन से पोर्शन चाहिए, अब मैं आर्ट से बटन अपना फिंगर हटा लूंगा, अब यहाँ पे सिंपल मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मुझे पोर्शन चाहिए एक शेप में, मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, सिंपल मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, मैंने ड्रैग किया और ये वाला पोर्शन, ये ड्रैग, अब ये मेरे पास लोगो आराम से रेडी हो चुका है। अगर मैं आपको इसको अलहदा करके दिखाऊं तो ये अभी भी थ्री डिफरेंट शेप्स मौजूद है मेरे पास, 1, 2, 3 एंड ये सेंटर वाली, सेंटर का पार्ट भी तो हमारा एक पाथ बन चुका है ना जो कि हमने लिया है, ये तो हम इसको इजीली यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। मैं इसे की कॉपी लेता हूँ आगे की तरफ और मैं इसके अंदर फिल करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी कॉपी लेने लगा हूँ, सिलेक्ट करके 1, 2 एंड 3 शेप्स को और आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये हमारी शेप बन चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर कोई ग्रेडियंट फिल करूँ, ग्रेडियंट बनाऊँ इसका, तो मैं अपने सबसे पहले इसकी एक शेप को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर अपना ग्रेडियंट रेडी करता हूँ। आउटर स्ट्रोक को मैं बंद कर रहा हूँ, फिल को मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट मौजूद है, मैं ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपना ग्रेडियंट बना लेता हूँ। डबल क्लिक कर रहा हूँ 1, डबल क्लिक कर रहा हूँ दूसरे कलर के ऊपर, यहाँ से मैंने दूसरा कलर क्लिक कर दिया। अब सिंपल मैं इस शेप को, सेकेंड शेप को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास ग्रेडियंट बना हुआ है, मैं आई प्रेस कर रहा हूँ इसको सिलेक्ट करने के बाद, मैं आई प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, मुझे फर्ज करें ये वाला कलर चाहिए तो मैं सिंपल आई प्रेस करने के बाद ये मेरे पास ड्रॉपर टूल आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी शेप में ये कलर फिल हो जाएगा। वी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से सिलेक्शन के लिए, उसके बाद थर्ड शेप को सिलेक्ट करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ और यहाँ से कलर उठा लेता हूँ, सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब इसके अंदर आप वेरिएशन दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपने कलर को स्विच करा सकते हैं। ये देखिए रिवर्स ग्रेडियंट, अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ग्रेडियंट रिवर्स हो गया, ये देखिए यहाँ ये ग्रेडियंट था, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रिवर्स ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने क्या किया, डार्क साइड को नीचे कर दिया और लाइट साइड को ऊपर कर दिया। वी प्रेस करता हूँ, थर्ड वन को सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर मुझे कलर थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से इसे कर सकता हूँ, या इसके अंदर मुझे कलर थोड़ा और एक्सटेंड करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके कलर एक और बना लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको रीशेप कर, यहाँ पे मुझे रिवर्स चाहिए तो मैं पिंक को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, इसको उठा के ऑल्ट प्रेस करके आगे की तरफ और यहाँ पे भी डार्क साइड ले आता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कलर डिलीट करना है इस पर सिंपल क्लिक करें, ये आपके पास डस्टबिन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना कलर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो आप इजीली अपना ग्रेडियंट बना सकते हैं। आई प्रेस करें, यही वाला आपको उठाना है तो आप ये वाला उठा दें, कंट्रोल जेड नहीं उठाना तो नॉट, तो आपने इजीली अपना कॉर्पोरेट लोगो यहाँ पर बना लिया। ये क्राइटेरिया जी सिंपल सा हमारे पास, सिर्फ हमने कलर के साथ अपने लोगो को 3D फील दे दिए, हालांकि ये 2D फॉर्म में ही पड़ा हुआ है लेकिन हमने कलर ऐसे दिए, ग्रेडियंट हमने ऐसे डाले कि उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला पोर्शन बैक साइड पे है, ये वाला फ्रंट पे है, फिर ये वाली साइड बैक साइड पे है, ये वाली फ्रंट साइड पे है, तो हमने एक इल्यूजन सा क्रिएट कर दिया है
विद द हेल्प ऑफ कलर। अच्छा अब हम करते हैं हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, अपने लोगो को अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, अब हम वो देखेंगे। फाइल बना लें, ये फर्ज करें आपने एक लोगो तैयार कर लिया, अब एक फाइल बनाएं जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। प्रेजेंटेशन बनाने का क्राइटेरिया क्या है, आप कोई साइज ले लें, इंच पिक्सल्स में ले लें, यहाँ पे लिखें 1080 और स्क्वायर के अंदर मैं एक साइज लेने लगा हूँ 1080 और यहाँ पे मैं अपने पेज को क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल मैंने एक पेज को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोसेस वर्क को ले आता हूँ, सिंपल सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, अपने सेकंड पेज पे किया जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ये मेरे पास प्रोसेस वर्क आ गया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, टी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको प्रोसेस वर्क लिख देता हूँ, प्रोसेस वर्क, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टैब आ जाएगा टेक्स्ट का, तो आप इसके अंदर सिलेक्ट करके पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो आप रखना चाह रहे हैं, और इसके साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, ये आपके पास साइज है यहाँ पे टेक्स्ट का, आप इसको अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर सकते हो। यहाँ पे मैं 24 कर लेता हूँ, प्रोसेस को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कलर की बोल्डनेस है। अगर आप लोगों ने फॉन्ट्स सेलेक्ट कर लिए, डाउनलोड किए भी होंगे, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स आ रहे होंगे तो उनकी वेरिएशन भी आ रही होगी कि आप उसे बोल्ड बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक टेढ़ा कर सकते हैं, या सेमी बोल्ड कर सकते हैं, या बोल्ड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ बोल्ड करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से कुछ बड़ा कर लेते हैं ऑल्ट कंट्रोल की मदद से। और यहाँ पे हम लिख देते हैं STEP स्टेप 1, और इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डी आपका लास्ट एक्शन रिपीट, सबको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इनके टेक्स्ट को मैं बोल्ड ना करूं, रेगुलर करूं, तो मैं यहाँ से रेगुलर कर लेता हूं और यहाँ से 2, 3 and 4 इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, यहाँ सिंपली आप जाएं और यहाँ से जिस चीज़ को बोल्ड करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से सिंपली आप उसे बोल्ड कर सकते हो, सिलेक्ट करें, बोल्ड करें, सिलेक्ट करें और यहाँ से आके सिंपली बोल्ड कर सकते हो। अच्छा उसके बाद आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन क्या हुई है वो, तो सिंपल मैं एक डॉटेड लाइन बनाने लगा हूँ साथ में पार्टीशन देने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं एक लाइन सी बना रहा हूँ यहाँ पे जो पार्टीशन का काम करेगी और एंटर, ये मैंने लाइन बना दी। इसके स्ट्रोक को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास स्ट्रोक का पैनल है, मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ और डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। डॉटेड लाइन मुझे कितनी चाहिए, मैं इधर 12 और 10 या 3 या 5 भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा 8 नहीं, ऑलमोस्ट डन है। मैंने एक लाइन बनाई जिसको मैंने डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दिया और मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं इस लाइन को जो इसका फिल है इसके फिल को बंद कर दें, जो लाइन है मेरे पास इसकी ओपेसिटी को मतलब कि इसकी हार्डनेस को मैं थोड़ा कम कर दूं। इसकी हार्डनेस को कम करने का तरीका क्या है कि हम या तो कोई लाइट कलर उठा लें या तो हम ग्रेश कलर कर लें, ये जैसे हमने ग्रेश कलर कर लिया ये भी अभी हार्ड है, तो इसको हम लाइट कैसे कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करें, स्ट्रोक में जाएं, स्ट्रोक में जाके आपके पास साथ वाला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का, ये ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ गई ओपेसिटी। ओपेसिटी किसी भी चीज को एक शीशे नुमा चीज के अंदर ट्रांसफर कर देता है कि लाइट कर देता है, अगर आप इसको 100% से थोड़ा सा कम कर देते हैं, अब आप देख रहे होंगे लाइट हो गया है आपका ऑब्जेक्ट, आप इसको इजीली लाइट कर सकते हैं, ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ये उसकी ओपेसिटी को उसने कम कर दिया।
अब यहाँ पे मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, और अभी मैं इसके स्टोव को बंद कर रहा हूँ और इसके कलर को फिल करना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसा कलर जिसके अंदर आपका लोगो नजर आए। कंट्रोल टू प्रेस कर रहा हूँ किसी भी चीज को फ्रीज करने के लिए, आप कंट्रोल टू प्रेस करते हैं, मैं चाह रहा हूँ इस बॉक्स को ना हिले, तो मैं कंट्रोल टू करके मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अगर मैं चाह रहा हूँ इसे हिलाऊं तो कंट्रोल आल्ट और टू अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो मैं इसे हिला सकता हूँ। कंट्रोल जेड बैक गया हूँ, कंट्रोल टू प्रेस किया, उसको मैंने फ्रीज कर दिया। अब मैं इसके ऊपर अपना प्रीवियस लोगो जो मैंने कम्प्लीट कर लिया उसको लेकर आता हूँ। सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ग्रुप कर देता हूँ। कंट्रोल ग्रुप के बाद मैं इसको अलहदा नहीं उठाऊंगा, फिर मैं इसको सिंगल उठा सकता हूँ। कंट्रोल ग्रुप, अब ये ग्रुप हो चुका है, अब मुझे ये अलहदा नहीं उठाना पड़ेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलहदा शेप्स को उठाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इसे अनग्रुप कर दूंगा। अब मैं इसे अलहदा उठा सकता हूँ, लेकिन जब हम काम कर लेते हैं उसे ग्रुप कर लेना अच्छी बात होती है। मैं सिंपल सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल सी और यहाँ पे आगे कंट्रोल वी। यहाँ पे हम फर्ज करें कुछ भी लिख रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का जो भी नाम है वो लिखना चाह रहे हैं, तो ये अगर ये देखें लेयर के नीचे आया था, ये किसी भी चीज को लेयर के ऊपर या लेयर के नीचे लेके जाना है उसकी शॉर्टकट की आप लोग लिख लें। इस टेक्स्ट को मैं नीचे ले जाना चाह रहा हूँ जो कि मैंने बैकग्राउंड लगाया है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल पी के साथ वाली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, उस पर क्लिक कर रहा हूं, तो क्या हुआ मेरा टेक्स्ट लेयर के नीचे चला गया। और जैसे ही मैं पी के साथ वाली ओपन ब्रैकेट के बिल्कुल साथ है क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक कर रहा हूं तो ये मैं लेयर के ऊपर ले आया। तो आप किसी भी लेयर को ऊपर नीचे करने के लिए कंट्रोल पी के साथ वाली ओपन और क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आप लेयर को ऊपर नीचे इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लिख देते हैं लोगो डिजाइन, एंटर डिजाइन। अब मैं चाह रहा हूँ उसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको कम कर दिया जाए, आल्ट प्रेस कर रहा हूँ, आल्ट प्रेस करके अपने कीबोर्ड से अप की को प्रेस कर रहा हूँ तो उनके बीच के डिस्टेंस को आप देख रहे होंगे कम हो रहा है। वैसे आप यहाँ पे भी जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए उसके ऊपर सिंपल अपना कर्सर लेकर आए और अपने माउस के व्हील को ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे तो आप इसके डिस्टेंस को इजीली यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। ये आपके पास इसके इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसको भी आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। आप चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट को अलाइन करें, यहाँ आपके पास पैराग्राफ का ऑप्शन है, टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ में जाएंगे, सेंटर अलाइन का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है तो आप इनको सेंटर लाइन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लोगो प्रेजेंट के काबिल हो जाएगा। इसका कलर व्हाइट करना चाह रहे हैं, ये आपके पास यहाँ पे कलर व्हाइट मौजूद है, आप इसके कलर को व्हाइट कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर अभी भी मजे का नहीं है तो आप बैकग्राउंड को कोई और बैकग्राउंड कर सकते हैं जिसके अंदर आपका लोगो प्रेजेंट टेबल लगे, ये वाला कलर कर लेते हैं लेकिन इसका लाइटर वर्जन कर लेते हैं। उसके बाद आप कोई ब्रीफ देना चाह रहे हैं कि इस लोगो को आपने कितनी मोहब्बत से बनाया है, तो आप सिंपल मैं इसके ऊपर एक रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसका साइज कम कर रहा हूँ। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आइंदा के बाद जब भी आप लोग मुझसे अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे तो आप लोगों ने ये रूल्स फॉलो करने, क्या करने, आप लोगों ने ये रूल्स फॉलो करने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। मेरे पास साइज है टेक्स्ट का, मैं इसको कम या ज्यादा कर सकता हूँ, आल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो इसके बीच के डिस्टेंस को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, आल्ट अब की
के बीच के डिस्टेंस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को मैं रेगुलर करना चाह रहा हूँ, बोल्ड नहीं चाह रहा, यहाँ पे सिंपल रेगुलर करता हूँ। और इसकी अगर मैं मार्जिन को कम कर रहा हूँ, जो कि मैंने टेक्स्ट के अंदर से लिया था, तो आप देखे होंगे ये ऑटोमेटिकली मुझे सेटिंग करके दे रहा है। ये आपके पास लोगो आपका यहाँ पे बन गया। उसके बाद हम एक थोड़ी सी पार्टी एक शेप्स के साथ पार्टीशन कर देते हैं। प्रिफर्स करें मैं यहाँ पे दो किस्म की शेप्स ले रहा हूँ, जो कि आपने इसके ग्रेडियंट्स में यूज किया है। ये मैंने इसके ऐसे ही बुलेट्स ही बना दिए। क्या आप बुलेट इसकी चेंज भी करना चाह रहे हैं तो आप इसकी बुलेट को चेंज कर दें। मैंने ऐसे कट सा कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी नीचे ग्रुप को लोगो को प्रेजेंट कैसे करना है, तो उसे प्रेजेंट करने के लिए अगर वाइट के ऊपर मेरा लोगो आए तो कैसा लगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए कि आपका लोगो अगर किसी बिलबोर्ड पे या कहीं पे भी यूज हो रहा है, अगर वाइट उसका बैकग्राउंड है तो कैसा लगे, तो उसके लिए आप वाइट पोर्शन के अंदर अपने लोगो को प्रेजेंट कर दें। ऐसे मैंने रैंडम सा टेक्स्ट उठाया है। डिस्टेंस को थोड़ा ज्यादा कर रहे आपको एक ग्रिड देना चाह रहे हैं और फाइनली आप अपनी शेप को बंद करना चाह रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। शेप को इसको अलाइन करना चाह रहे हैं इसके अलाइन, तो आप क्या करते हैं उठाते हैं और इसके पास ये आपको गाइड बता रही है कि आप अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एक्यूरेट अलाइन करना चाह रहा हूँ इसके, तो मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ। ये मेरे पास साइड पे रूलर्स आ गए, मैं इन रूलर्स की मदद से भी कर सकता हूँ। यहाँ सिंपल मैंने रूलर को उठाया है और मैं इसको लाके इसके पास रख रहा हूँ और यहाँ से अपनी शेप को उठा रहा हूँ और इसके पास ऐसे करके अलाइन करने के लिए रख रहा हूँ। ये आपको एक अलाइनमेंट आ जाती है। ये फर्स्ट करें ये जी हमारी प्रेजेंटेशन बन चुकी है और हम इसको एट द एंड प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास फर्ज करें आपकी जो भी आपकी कंपनी है उसके व्हाट्सएप के जो भी आइकन्स वगैरह हैं, अगर आप वो लिखना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आइकन्स प्लेस कर सकते हैं।
This is the way of presentation. आप कोई भी चीज की presentation बनाएंगे तो ये तरीका कार है, इनको follow करते हुए अब आप देख रहे होंगे text की selection क्या है, आपकी चीज क्या है, अपने client को जब ये presentation आपकी गई हुई होगी तो उसके बाद मुझे बताएं कि आपको कैसे वो payment ना करे, वो कैसे आपके काम से impress ना हो, वो कैसे वो क्यों किसी और designer के पास जाए, उसके पास कोई reason नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड करें, जो जो आपको चीजें बताई जा रही हैं, प्रेजेंट करने का तरीका बताया जा रहा है एट द एंड, उनको फॉलो करें, अपने असाइनमेंट्स को वक्त पे कंप्लीट करें और मुझे सबमिट कराएं ताकि आपकी चीजें जल्द से जल्द रिजॉल्व हो और आप इजीली अपने काम को कंप्लीट कर सकें। अब सिंपल मैं एक शेप बना रहा हूँ और उसके कलर को ग्रीन कर रहा हूँ जो कि ऊपर वाला है, और इसको मैं लाइट कर रहा हूँ। लाइट करने के लिए क्या क्राइटेरिया मैंने बताया था, स्ट्रोक में जाएं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें। तो अब ये एक मजे का आपको पीछे की तरफ एक मिरर इफेक्ट सा फील आ रहा होगा, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, कंट्रोल पी के साथ वाली ओपन ब्रैकेट, तो मैं लेयर को नीचे ले गया, इसको अगर मैं पूरे पे करना चाह रहा हूँ तो आप पूरे पे भी कर सकते। पीछे एक हल्का सा बैकग्राउंड सा आ गया, मैं लाइन जो ये लाइन है इसका कलर उठा रहा हूँ यहाँ से सिंपल, मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल से कम ना हो, उसको देख लेते हैं कलर में जाके, इसको भी करना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम फॉन्ट्स हम यूज़ ना करें, हम कम से कम फॉन्ट यूज़ करते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन एलिगेंट लगे। तो ये याद रखना है आपने कि जितने कम आपके फॉन्ट्स आप यूज़ करेंगे उतना इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, उतना अच्छा आपका डिज़ाइन होता है। अगर आप लोगों को समझ आई है और आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो जल्दी से टाइम जाया किए बगैर यस लिखकर बता सकते हैं। अब किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे सवाल कर सकता है। ये वाले तीन डॉट्स आपको शो नहीं हो रहे तो मैंने इसके लिए आपको बताया था ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक का ऑप्शन आप विंडोज में जाएंगे और आप विंडोज में जाके ये आपके पास स्ट्रोक का ऑप्शन है,
कोई भी टूल अगर आपको नहीं मिलता, आप विंडोज में जाएं, ग्रेडियंट नहीं मिल रहा, आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट भी मौजूद है, पाथ फाइंडर नहीं मिल रहा, पाथ फाइंडर मौजूद है, ग्रेडियंट आपको चाहिए, ये ग्रेडियंट आपके पास है। तो विंडोज के अंदर आपके पास मैक्सिमम टूल्स है जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जी अहमदुल्ला, अब मैं आखिरी बात आप लोगों को बता दूं, अपनी फाइल को सेव कैसे करना है, ये बहुत अहम चीज है, ये जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए तो बहुत ज्यादा अहम है, वो लोग बच्चे गौर से सुने। अपनी फाइल जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सबसे पहले एक अपने बॉक्स के ऊपर हिडन बॉक्स बनाते हैं, ये हर बंदा फॉलो करेगा, गौर से सुने, काम आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि इसका जेपैक बनाएं या इसकी सोर्स फाइल बनाएं, तो आपने क्या करना है, काम कंप्लीट करने के बाद आपने एक बॉक्स बनाना है, ये हिडन बॉक्स, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है अपने कैनवस जो मैंने लिया हुआ था, और दोनों को नन कर देना है, आपका फिल भी नन होना चाहिए, आपका स्ट्रोक भी नन होना चाहिए, ये हिडन बॉक्स है, ये आपने अपने काम के बाद बनाना होता है लाजमी। ये बनाना क्यों होता है, जब आप इसका जेपैक बनाएं तो आपका पूरा कैनवस आए, अगर आप ये नहीं बनाते तो आपके पास जब आप इसकी सोर्स फाइल बनाएंगे तो वो आपको यहां यहां तक बनाकर दे देगा, जहां जहां तक उसको आपकी शेप मिलेगी वो यहां यहां तक ये वाला एरिया काट देगा, तो हम ये वाला काटना नहीं चाह रहे, हम अपनी नेगेटिव स्पेस को अपने डिजाइन में यूज करते हैं, दैट्स व्हाई कंट्रोल जेड में कर रहा हूं। आपने एक हिडन बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाने के बाद आप फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके आप अपनी फाइल को सेव करवाते हैं, सेव जहां पे भी करवाना चाह रहे हैं, मैं डेस्कटॉप के ऊपर इधर मैं एक फोल्डर बना देता हूं, बैच 7 and 8 सेकेंड असाइनमेंट, अपनी फाइल का नाम दें और लाजमी आपने अपनी फाइल की सोर्स फाइल लाजमी बनाया करें। अब ये हम इस वक्त सोर्स फाइल बना रहे हैं, जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो ये इलस्ट्रेटर में ओपन होगी, यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे पास जो सेव एज अ टाइप है वो आ रहा है अडोब इलस्ट्रेटर, इसको मैं यहाँ पे सिंपली सेव करवा दूंगा, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आप ओके कर देंगे। अब मुझे इसका जेपैक बनाना है क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट से शेयर करनी है फाइल, अब जेपैक बना के क्राइटेरिया है, आप फाइल में दोबारा जाएंगे, उसके बाद सॉरी फाइल ही बंद हो गई है, यहाँ पे हमारे पास ये मैंने फाइल ओपन कर ली है। अच्छा अब आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आपने एक्सपोर्ट करनी है अपनी फाइल को जेपैक बनाने के लिए, एक्सपोर्ट में गए, एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट में जाने के बाद एक्सपोर्ट एज करेंगे, उसके बाद अपनी फाइल का जो आपने नाम दिया है वो देंगे और सेव एज अ टाइप करेंगे जेपैक, सेव एज अ टाइप जेपैक, जीपीईजी, अपनी फॉर्मेट को जेपैक में सेव करेंगे और यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट के बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये प्रिंट करवानी है या डिजिटलाइज देखनी है, अगर तो आपने प्रिंट करवानी है ये फाइल तो आप CMYK में सेव करेंगे, और अगर आपको प्रिंट नहीं करवानी आपको डिजिटल किसी को दिखाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से RGB कलर्स ले लेंगे, उसके बाद अपनी क्वालिटी जैसी रखना चाह रहे हैं आप तो आप यहाँ पे क्वालिटी एडजस्ट करें और यहाँ पे सिंपली ओके का बटन प्रेस करें, ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अगर यहाँ पे हम आते हैं, इसको मैं लार्ज करता हूँ, ये देखिए ये आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है, डबल क्लिक करके आप इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब व्हाट्सएप पे अगर मुझे किसी ने भेजनी है तो वो क्या करेगा, वो गूगल पे जाएगा, गूगल पे जाके व्हाट्सएप लिखेगा, यहाँ पे whatsapp.com लिखेगा, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, लॉगिन करने का तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ, या बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत छोटी सी चीज है, जिनको नहीं पता वो समझ लें। खैर
लॉगिन करेंगे आप व्हाट्सएप पे जाके, आपके पास बार कोड आता है अपने मोबाइल से, बार कोड ऑन करके उसके ऊपर रखते हैं तो आपका लॉगिन हो जाता है। खैर एरर आ रहा है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको वैसे ही आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग ग्रुप के अंदर, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ये वाली प्रेजेंटेशन, अगर ये आपको हेल्प आउट कर सके, और स्टेप्स भी जो कि ये स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट, अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं और उनसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई सवाल है, 2 मिनट अभी हैं तो वो कर सकता है, अगर अभी भी किसी का सवाल है। असाइनमेंट की डेडलाइन जब भी आप कंप्लीट कर सकें, कोशिश करें जैसे जैसे आपको असाइनमेंट मिल रही है आप लोग उसे टास्क को कंप्लीट कर लें। होस्ट अगर अवेलेबल है तो यार काइंडली जो बच्चे यहाँ पे ऐड नहीं है ग्रुप के अंदर उन्हें आप ऐड करवाएंगे। ठीक है सर, मैं उन्हें ऐड करवा देता हूँ, मैं भी करवा देता हूँ। सर मैं भी उन्हें ऐड करवा देता हूँ ग्रुप में, शाहजान को बोल कर। अली रजा आप क्यों गुस्सा करके भाई, कौन से सवाल आते हैं आपके, आप मुझे बताएं आपको क्या हो गया है, आपको किस बात ने परेशान कर दिया इतना। जी सेम लोगो आपने अपनी असाइनमेंट में बनाने हैं। रिप्लाई नबील, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपका मैसेज कहाँ है, आप इस तरह मैं जवाब दूं मेरे भाई, आपका मैसेज क्या है। सर आई विल आस्क सो मेनी टाइम्स बट यू डिड नॉट आंसर इट। यार मैं आपको समझा रहा था, मैं सॉरी करता हूं अली भाई, आप दोबारा पूछ रहे हैं मुझसे, मैं मेरा फोकस पढ़ाने में था मेरे भाई। इलास्टिक टूल जो मैंने पढ़ाया है उससे रेलिवेंट अगर किसी का सवाल है तो वो पूछे। नेक्स्ट पेज पे कैसे जाते हैं, ये पेज पे चले गए, यहाँ आपके पास डिफरेंट फाइल्स ओपन है तो आप इसको नेक्स्ट पेज में ले जा सकते हैं, या आपका कोई और सवाल है। सोशल मीडिया लोगों का बता दें, यार आज की क्लास से रेलिवेंट कोई सवाल है तो पूछे, मैं आपका पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। चलें टाइम खत्म हो गया, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, जो सिखाया उसकी प्रैक्टिस करें और मुझसे शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर। जिनका नहीं बना, ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है, होस्ट इसे देख लेगा और आप लोगों को ऐड कर लेगा। ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, मैंने ऐड करवा देता हूँ। हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वेब की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज, मैं आपको ऐड करवा देता हूँ, जो जो नहीं है ऐड ग्रुप में उन्हें ऐड करवा देता हूँ, मैं भी शाहजान को बोल के।